किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्ड 3600 और मैसी 1035 और महिंद्रा 575 ट्रैक्टर धसा हुआ है ईंटों का। तो इसको आज ये दो ट्रैक्टर लग के निकाल रहे हैं, यानी कि तीन ट्रैक्टर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मज़ा आएगा आपको, तो वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोर्ड 3600 की ताकत जो कि 47 HP का ट्रैक्टर है और यहाँ पर मैसी 35 HP ट्रैक्टर और महिंद्रा 575 जो कि 45 HP का ट्रैक्टर है। काफ़ी पावरफुल ट्रैक्टर है यहाँ पर तीनों। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 130 HP लगी हुई है, यानी कि जो ईंटों की फंसी हुई है ट्रॉली है उसको टोटल 130 HP ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। तो तीनों ही अगर ट्रैक्टर की HP की बात करें तो 130 HP के ट्रैक्टर हैं तीनों की HP टोटल, क्योंकि 47 HP के आसपास ये फोर्ड 3600 आता है और 35 HP हमारा जो ये ट्रैक्टर है 1035 मैसी का आता है 35 HP में और 45 HP हमारा महिंद्रा 575 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लगभग 120 जाने 130 HP ट्रैक्टर लगे हुए हैं और फोर्ड 3600 की ताकत को देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर ये रस्सा टूट चुका है और इस बार ट्रैक्टर नहीं निकल पाया क्योंकि रस्से टूटने के कारण ये ट्रैक्टर नहीं निकला। शायद अब टू चैन लगानी पड़ेगी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्ड 3600 की आवाज़ कितनी शानदार है और यहाँ पर ये ड्राइवर साहब। तो ड्राइवर साहब जी, क्या आवाज़ निकला, क्यों नहीं है? ईंट फंस गई भाई। ईंट फंस गई? अरे वो रस्सी टूट गई क्या? तो अब टू चैन लगानी पड़ेगी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता रहे हैं कि रस्सी टूट गई, अब दोबारा हटके लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये मैसी काफ़ी जानदार ट्रैक्टर है, यहाँ पर इसके पिस्टन भी वो रखे हैं, काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है जो कि 20 साल पुराना और यहाँ पर ये भी 25 साल पुराना ट्रैक्टर है और जो कि 47 साल पुराना फोर्ड 3600। तो तीनों ही ट्रैक्टर काफ़ी पुराने ट्रैक्टर हैं यहाँ पर ही हैं। और ट्रैली देख सकते हैं दोस्तों आप, किस तरीके से धसी हुई है, यहाँ पर गहराई में ज़्यादा ही धस चुकी है। और देख सकते हैं यहाँ पर ईंट और दूसरा पहिया जमीन में ज़्यादा ही बैठ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं इस बार निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, दूसरी बार तैयारी करते हैं इस ट्रैक्टर को निकालने की इनको। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब दोबारा तैयारी करी जा रही है, अब तीनों ही ड्राइवर बैठ चुके हैं, दोबारा ट्रैक्टरों से ताकत लगवाई जाएगी उस ट्रैक्टर को निकालने के लिए, महिंद्रा 575 DI ट्रैक्टर को निकालने के लिए। और इस बार देखते हैं क्या ताकत लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, और 3600 1035 मैसी और महिंद्रा 575। तो ही तीनों ही ट्रैक्टर काफ़ी पुराने हैं और तीनों ही पावरफुल ट्रैक्टर हैं HP के मामले में, देख सकते हैं आप। और तैयारी पूरी हो चुकी है, आर्ट काट दी है ट्राली के आगे से ताकि कोई दिक्कत ना हो इस बार। और यहाँ पर ठाकुर सुबोध चौहान जी बैठे हैं और उधर हमारे दूसरे ड्राइवर साहब, और इस बार ठाकुर सुबोध प्रताप सिंह ड्राइव पर हैं, देखते हैं ठाकुर सुबोध प्रताप सिंह क्या कर पाएंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताकत, ओहो दोबारा फिर रास्ता टूट गया दोस्तों, ताकत नहीं लग पाई ट्रैक्टर पर, रास्ता टूट चुका है। यहाँ पर जो बेड थी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टूट चुकी है, तो इस बार दिक्कत टू चैन ही मंगानी पड़ेगी। सोच रहे इससे पुराने रस्ते से काम चल जा, लेकिन पुराने रस्ते से काम नहीं चलेगा। तो ठाकुर सुबोध प्रताप सिंह चौहान ने यहाँ पर ट्रैक्टर पर पूरी ताकत लगवा दी, लेकिन क्या हुआ इस बार, क्यों नहीं निकला ये? तो दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर बता रहे हैं कि बेड टूट गई, चला नहीं काम, टू चैन शायद मंगानी ही पड़ेगी अब। और आप दोस्तों फोर्ड 3600 को देखिए, कितना शानदार तरीके से यहाँ पर किसान भाइयों ने ट्रैक्टर रखा है, काफ़ी नया है बिल्कुल, अभी पेंट वेंट करा रखा है। तो देखते हैं इस बार भी निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा दोस्तों। तो इस बार फिट किया जा रहा है यहाँ पर, देखिए हल्की हल्की रेंज देकर रस्से को टाइट किया गया है, इस बार शायद निकल जाए। और यहाँ पर तीसरे नंबर के ड्राइवर यहाँ पर ये धीरज प्रताप सिंह भी बैठ चुके हैं ट्रैक्टर पर और तीनों ही ट्रैक्टर फॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ट्रैक्टर महिंद्रा 575 खड़ा हो चुका है और ये तो हिल भी नहीं, ओ हो, तीनों ही ट्रैक्टर ने ताकत पूरी लगा दी, लेकिन जो महिंद्रा 575 का टायर है वो स्लिप हो रहा है एक टायर। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ट्रैक्टर खड़ा होकर ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत खड़ा होकर लगा रहा है, शायद काम नहीं चला। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि खेती संबंधी और ट्रैक्टरों की मज़ेदार वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते रहे हैं। तो दोस्तों,
तो दोस्तों ये देखिए पहिया कितनी गहराई में दबा हुआ है, यहाँ पहिया बहुत ही ज़्यादा गहराई में 2 फीट ज़मीन में चला गया, और उधर हमारा पहिया जो ट्रैली का था वो भी ज़्यादा ही गहराई में चला गया, तो निकलना भारी हो रहा है। और 4300 शायद अब निकालते नहीं, ट्रैली खाली ही करनी पड़ेगी तब जाके ट्रैक्टर निकलेगा यहाँ से। सभी का प्रयास, जितने भाई लगे थे सबका असफल रह चुका है अब।